श्रेया भारती और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा ने मास्क न पहनने को लेकर सागर में पुलिस द्वारा की गई एक महिला की पिटाई की घटना को अमानवीय और शर्मनाक बताते हुए कहा है कि एक ओर तो मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार और पुलिस राज्य के कई हिस्सों में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना के साथ ही अपने नाक के नीचे प्रदेश की राजधानी में भी कोविड पीड़ित महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य घटना को रोक पाने में नाकामयाब सिद्ध हो रही है, वहीं उल्टे व निरह महिलाओं की पिटाई करके ही उन्हें अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रही है। आज जारी अपने व्यक्तित्व के एक वायरल वीडियो में श्रीमती ओझा ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए आगे कहा है कि पूरे संक्रमण काल में कोविड पीड़ित महिलाओं के साथ दरिंदगी और छेड़छाड़ की कई घटनाएं प्रदेश के अनेक हिस्सों में भी हुई, लेकिन पुलिस और प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण ऐसी शर्मनाक घटनाएं आज भी जारी है। अपने बयान के अंत में श्रीमती ओझा ने कहा है कि प्रदेश की पुलिस जो व्यवहार राज्य की महिलाओं के साथ कर रही है, दरअसल वह व्यवहार उन्हें उन अपराधियों के साथ करना चाहिए जो बेखौफ होकर नारी सुरक्षा के नारे का मखौल उड़ाते हुए कोविड पीड़ित महिलाओं तक को अपनी हवस का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं।